वास्तु विज्ञान के अनुसार हमारे आसपास और घर में रखी चीज़ों का किसी न किसी रूप में हम पर कोई ना कोई प्रभाव पड़ता ही है। इसीलिए हमें अपने घर की सुख और शांति के लिए वास्तु से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सुखमय हो सके। वहीं बात करें स्फटिक के शिवलिंग की, तो स्फटिक का शिवलिंग घर के लिए काफ़ी शुभ माना जाता है। इसके प्रभाव से हमारे ग्रह दोष समाप्त होते हैं और व्यक्ति के घर में सुख शांति बनी रहती है। यही नहीं, यह राहु केतु के दूर करता है तथा बीमारियों से भी बचाव करता है। स्फटिक का ये शिवलिंग काफ़ी डिमांड में रहता है। ये एक अनमोल रत्न है जो कि बर्फ़ के ग्लेशियर्स में पाया जाता है। वहीं हिमालय में पाया जाने वाला स्फटिक का शिवलिंग सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। बात करें शास्त्रों की, तो उसमें भी स्फटिक के शिवलिंग को सर्वोत्तम माना गया है, जिसकी आसानी से घर में पूजा की जा सकती है। साथ ही रामेश्वरम में स्थित शिवलिंग भी स्फटिक का ही शिवलिंग है, जिसकी स्थापना भगवान राम द्वारा की गई थी। वहीं स्फटिक के शिवलिंग के कई सारे लाभ हैं। स्फटिक का शिवलिंग घर में सुख और समृद्धि बनाए रखता है और जीवन में होने वाले बुरे प्रभावों से हमें बचाता है। महाशिवरात्रि के दिन इस शिवलिंग की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। यही नहीं, स्फटिक शिवलिंग की ऊर्जा में इतनी शक्ति होती है कि आपके इसे सिर्फ घर में रखने मात्र से आपका पूरा घर शुद्ध हो जाता है। स्फटिक असल में अद्भुत रत्न है, जो ऐसा कहा जाता है कि बर्फ के जो ग्लेशियर होते हैं वहाँ पर ये स्फटिक पाया जाता है। तो ये हिमालय में, हिमाचल वगैरह साइड में, ब्राज़ील में भी निकलता है, लेकिन हिमालय का स्फटिक सबसे सर्वोत्तम माना जाता है और हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन किया गया है। स्फटिक को सर्वोत्तम शिवलिंग माना गया है, जो आप घर में आसानी से पूजा कर सकते हैं। और ऐसा हमारे शास्त्रों में उल्लेख है कि रामेश्वरम में जो शिवलिंग है वो स्फटिक का शिवलिंग है, जिसको भगवान राम ने स्थापित किया था। देखिए, स्फटिक में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आजकल बाजारों में ग्लास का ज़्यादा बिकता है, तो लेकिन ग्लास की हम पूजा नहीं करते, कांच के सामान की कभी भी पूजा नहीं की जाती। इसलिए स्फटिक का पवित्र होना, प्योर होना बहुत ज़रूरी है। ये आप लेबोरेटरी में भी चेक करा सकते हैं और मशीनें भी आती है इसकी चेक करने के लिए, तो वो आसानी से चेक हो जाता है। लेकिन प्योर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाभ इसका तभी मिलेगा जब स्फटिक प्योर होगा। क्योंकि स्फटिक जो है अपने मेडिटेशन के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, एकाग्रता के लिए, पॉजिटिव एनर्जी के लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए स्फटिक का शिवलिंग जब हम रखते हैं तो हमारा ध्यान एकाग्र होता है, इसलिए स्फटिक बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड ऋषिकेश से ईशा बिरोरिया, लोकल 18 के लिए।